नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम जीमेल के कुछ टिप्स ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जब से जीमेल अपडेट हुआ है तब से इसकी क्वालिटी और एनहांस हो गई है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले जब मैं फीडबैक लेता रहता हूँ तो मैंने देखा काफ़ी सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जीमेल हमारा भर चुका है और पूरा इनबॉक्स भर गया है, काफ़ी सारे अनरीड मैसेजेस हमें मिल नहीं रहे हैं जो कि शो होते हैं, उन्हें कैसे निकाला जाए, कैसे देखा जाए। तो दोस्तों, आप यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसको जो है जीमेल ने कस्टमाइज करके एक छोटा सा विंडो बना दिया है, ये देखिए यहाँ। बाकी ऑल सेटिंग्स पर भी हम जाएंगे बाद में, हमें यहाँ नीचे आना है। ये मेरा डिफॉल्ट सेटिंग आप देख रहे होंगे, ये माउस का कर्सर जिस तरीके से ये आपको इनबॉक्स दिख रहा है। आप इम्पोर्टेंट फर्स्ट पर भी क्लिक करके जो जो आपके इनबॉक्स में इम्पोर्टेंट मेल्स हैं उन्हें देख सकते हैं। आपको दोस्तों यहाँ अनरीड फर्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए आपका लोडिंग होगा यहाँ, और यहाँ फिल्टर लग गया है अनरीड होने का, और सारे मैसेजेस अब जो अभी तक इस इनबॉक्स में अनरीड होंगे, जिन्हें कि रीड नहीं किया गया होगा, वो एक एक करके बारी बारी से यहाँ आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं 2265 टोटल मेल्स हैं मेरे, और ये लोड होने में थोड़ा वक्त लेंगे क्योंकि थाउजेंड्स मेल्स हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सारे जो है अनरीड मैसेज इनबॉक्स में अकॉर्डिंग टू डेट यहाँ पर आ गए हैं। अब इन्हें जो है आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, या जो भी रिलेवेंट नहीं है, आपको लगते हैं डिलीट करने योग्य हैं, तो आप उन्हें यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा फिल्टर लगाया है जीमेल ने। हम वापस सेटिंग्स को डिफॉल्ट करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट जो है यहाँ टिप्स पर लेकर चलूँगा। अब दोस्तों, हमें आना है इनबॉक्स, जब आप किसी को कंपोज करते हैं, किसी को आप मेल करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप कंपोज पे जाएंगे। कंपोज पे जाने के बाद कुछ नए एडवांसमेंट आए हैं, जैसे कि हम यहाँ एक आईडी लिख देते हैं, उस आईडी पर हम यहाँ मेल करने वाले हैं। यहाँ पर हमने मान लीजिए हम रिज्यूम सेंड करेंगे, और यहाँ छोटा सा यहाँ दोस्तों आप देखिए, ये आप बॉडी पार्ट के बाद यहाँ जैसे हम सेंड करते हैं, इसके पास में आपको एक मोर सेंड ऑप्शंस का बटन दिख रहा है जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह वर्क करता है। यहाँ जाएंगे और ये शेड्यूल सेंड है, ये काम क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप दोस्तों कहीं हॉलीडे पर जाने वाले हैं, या आपको आज आपका हॉलीडे शुरू होने वाला है और आप चाहते हैं कि कल ये मेल जाए, परसों ये मेल ये जाए, तब ये तयशुदा समय पर सेंड हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जो है देखिए, आपको टाइम दिख रहा है, आप कल सुबह 8 बजे भेज सकते हैं, कल दोपहर में भेज सकते हैं, मंडे मॉर्निंग को भेज सकते हैं, या फिर आप खुद से कस्टमाइज करके यहाँ पे डेट और टाइम को फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको डेट लिखना है, यहाँ आपको लिखना है टाइम, आपको शेड्यूल सेंड पर क्लिक कर देना है। आपकी जो है यहाँ पर ये जो है यहाँ पे ये देखिए फिक्स हो गया है, और अब ये उसी टाइम पर जो है यहाँ पर शेड्यूल होगा। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये इनबॉक्स दोबारा से ओपन होगा, और यहाँ ये जो मैसेज हम कर रहे थे, ये इस तरीके से आप जो है आप यहाँ से इसको शेड्यूल कर सकते हैं जिस समय पर आप भेजना चाहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपको ये एक ताला दिख रहा होगा, ये कॉन्फिडेंशियल मोड है, इसमें भी एक ट्रिक छुपी हुई है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ आई बटन पर दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो के अंत में देख सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये एक सबसे अच्छी ट्रिक है। यहाँ एक्सपायरेशन डेट दे रखा है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके द्वारा भेजा गया मेल जो है एक दिन में, या एक वीक में, एक मंथ में, 3 मंथ में, 5 साल में, एक पर्टिकुलर समय के बाद जो है एक्सपायर हो जाए और सामने वाले के इनबॉक्स से भी चला जाए, तो दोस्तों आप इजीली जो है यहाँ से सेट कर सकते हैं एक्सपायर इन 1 डे, ये एक दिन में 13 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, और आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। तो अब जिसको भी आप ये मेल भेज रहे हैं वो एक दिन तक इस मेल को देख पाएगा, और एक दिन बाद वो मेल जो है वहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, ये जो रिक्वायर्ड पास कोड वाला है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें भी हम ऑथेंटिकेशन लगाते हैं मोबाइल नंबर के द्वारा, और ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मेन ट्रिक है, जो आज की वीडियो का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये मान लीजिए आपने मेल भेजा, और ये मेल भेजने के बाद मैंने ये सेंड कर दिया, और मान लीजिए यहाँ कुछ गलत हो गया। कुछ गलत कैसे हो गया, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने ये सेंड कर दिया है, किसी इंपॉर्टेंट इंसान को हम भेज रहे थे, ये मेल कर रहे थे। अब आपके पास ये मेल भेजने के बाद 30 सेकंड का समय होगा उसको अंडू करने के लिए,
और उस 30 सेकंड तक ये मेल सामने वाले रेसिपिएंट के पास नहीं जाएगा, रास्ते में ही होल्ड रहेगा, और 30 सेकंड तक अगर आप इसे अंडर नहीं करते हैं तब जाके ये सेंड होगा। देखिए दोस्तों, मैंने ये सेंड कर दिया है, ये देखिए यहाँ सेंडिंग लिखा आ रहा है और ये मैसेज सेंड हो गया है। अब आप देखिए यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ये अंडू का ऑप्शन 30 सेकंड तक आपको दिखेगा। ये मैंने कैसे सेट किया है मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं इस अंडू बटन पर क्लिक कर रहा हूँ ताकि आपको बताऊंगा कि वो मेल दोबारा कैसे आता है। देखिए यहाँ अंडू पर हमने क्लिक किया, अब ये अंडूइंग हो रही है और वो जो है कंपोज की विंडो फिर से ओपन हो जाएगी और मेरा मेल जितना मैंने लिखा था, जिसके लिए लिखा था, जो भी सब्जेक्ट था वो वापस आ गया। और अब ये मेल अभी वहाँ नहीं गया है, अब जो भी करेक्शन है, जो भी करेक्शन आप करने वाले थे, उस करेक्शन को आप इजीली यहाँ से जो है कर सकते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है और इसका जो है 30 सेकंड टाइम हमें कैसे बढ़ा सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। हमें जाना है दोस्तों यहाँ सेटिंग्स पर, सेटिंग्स पर जाने के बाद आप सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स जो होती हैं यहाँ की पूरी तरीके से ये जो आ गई हैं दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। हाल फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख रहे होंगे अंडू सेंड, आप जनरल ऑप्शन में जाने के बाद अंडू सेंड पर जाएंगे और कैंसिलेशन का जो यहाँ टाइम है ये मैक्सिमम 20 सेकंड है। बाय डिफॉल्ट दोस्तों ये आप लोगों की ईमेल में आईडी में 5 सेकंड का रहता है, आप इसको यहाँ से 30 सेकंड कर दीजिए। 30 सेकंड करने के बाद आप सबसे नीचे जाएंगे और वहाँ पे आप सेव चेंजेस कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप सेव चेंजेस कर देंगे और आप जो भी मेल करने वाले हैं उस मेल में आपको बराबर से 30 सेकंड मिलेंगे, 30 सेकंड का ऑप्शन मिलेगा इसको सेंड करने के लिए। मैं आपको एक बार हो करके दिखाता हूँ, देखिए मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ कुछ गलत हो गया है। जैसे ये मैसेज सेंड का यहाँ ऑप्शन आएगा वो मैसेज 30 सेकंड तक होल्ड रहेगा, आप उसको अंडन कर सकते हैं और जैसे ही आप उसको अंडू कर देंगे तो वो मेल जो है नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ ऑप्शन आ गया है मैसेज सेंड का, व्यू मैसेज अंडू, हम जैसे ही अंडू कर देंगे तो वो मेल जो प्रॉपर जितना आपने लिखा था, जो आपने ड्राफ्ट किया था, वो यहाँ पर जो है दोबारा से आ जाएगा। देखिए ये दोबारा से ओपन हो गया है। तो दोस्तों ये कुछ बहुत आसान सी और बहुत अच्छी टिप्स और ट्रिक्स थी, इनकी मदद से जो है आप इजीली यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को, आपके जीमेल आईडी को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और जीमेल के एक्सपीरियंस को भी और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जीमेल के ऊपर जो है वीडियो, और भी इससे लेटेस्ट जुड़े हुए वीडियोस, इसकी सेटिंग्स के ऊपर, इसे कैसे मैनेज किया जाए, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।